वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, जिसका पहले नाम था मैटिक, अब पॉलीगॉन नाम हो गया क्योंकि इसका मर्जर हो गया पॉलीगॉन के साथ। पहले ये मैटिक नेटवर्क कहलाया जाता था, अब नई साइट भी इनकी हो गई है। तो यहाँ पर आपको मैटिक जो है वो यहाँ पर लेयर टू सॉल्यूशन है इथेरियम का। अब कैसे है क्या नहीं है ये सब आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से समझाऊँगा, आम भाषा में समझाऊँगा जिसमें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अर्जेंट रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हो तो ग्रुप नहीं है ये चैनल है, यहाँ पर आपको सारी तरह की अपडेट मिलती है मार्केट से रिलेटेड, तो इसमें प्लीज़ अपडेट हो जाओ। एयर ड्रॉप्स के बारे में सब कुछ मैं आपको नॉलेज यहाँ पर देता रहता हूँ, तो यहाँ पर एक चैट भी चलती है साथ में, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलीगॉन के बारे में, पॉलीगॉन पिछले दिनों में क्यों इतना हराइज हुआ है और क्यों इसका आगे भी फ्यूचर बढ़िया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पॉलीगॉन है क्या और क्यों इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो देखिए पॉलीगॉन का यहाँ पे एक अच्छा मुझे पोस्ट मिली जिसमें मैं आपको समझा सकता हूँ। मैटिक हैज इमर्ज इन 2020 एज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसीज। क्यों? क्योंकि मैटिक को एक्सलेंट इसके बाद से कहा जाने लगा है, क्योंकि जब से इसने अनाउंस किया है मर्जर इनटू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन नेटवर्क मैटिक ने जब अपना रीब्रांडिंग की और फिर से बदल के अब ये पॉलीगॉन नेटवर्क कहलाया जाने लगा, तो उसके बाद से इसकी राइज देखी जाएगी गई है। और बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर आप इसके ट्विटर पे जाओगे तो आप देखोगे कितना एक्टिव है ये। कल के दिन में इन्होंने इतने सारे ट्वीट करें, इनके जो फाउंडर हैं संदीप नायवाल जी वो भी लोगों से मिल रहे हैं और वो विटलिक बटरिन से इंस्पायर हुए बताते भी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे इनके वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, जो पार्टनरशिप होती हैं इनकी, बहुत से लोगों के साथ पार्टनरशिप हो रही है कॉइनवाइज और भी बहुत जगह से, स्लिंगशॉट, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, बहुत जगह जो चेन है इनकी वो यूज़ की जाएगी अब से। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ये बात है और ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि मैटिक ने यहाँ पे बवाल मचा दिया है। और क्यों मचाया है ये बताते हैं ज़रा आपको। द राइज इन प्राइस ऑफ मैटिक इज़ रिलेटेड टू द राइज इन द प्राइस ऑफ एथेरियम। देखा, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बता रहा था वही बात यहाँ पर भी कही गई है। बात ये है कि मैटिक जो आपका है वो मैटिक आपका इथेरियम की वजह से बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? मैटिक इथेरियम इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स पे वर्क करता है, जो ऐसा प्रोटोकॉल है जो इथेरियम की जो बिल्डिंग है उसको इजी बनाता है डेवलपर्स के साथ। ये डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है डेवलपर्स के लिए, ठीक, ताकि डेवलपर्स को डेवलप करने में आसानी आ सके। जो इथेरियम पे डेवलप करते हैं डी एप्स और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो एनएफटी में भी ये वर्क कर रहा है, हर जगह वर्क कर रहा है, इजी फाई से रिलेटेड भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैटिक का प्राइस बढ़ रहा है। असल में देखिए, इथेरियम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हाई जा रहा है, वैसे वैसे मैटिक बढ़ेगा। और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इथेरियम का दूसरा सोल्यूशन लेयर टू सोल्यूशन मैटिक है। यानी कि जब इथेरियम बढ़ता है तो इथेरियम को लेने वाले यूज़र्स बढ़ेंगे, इथेरियम को यूज़ करने वाले लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो लोग बढ़ेंगे उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि इथेरियम में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत है, $70 अप्रॉक्स चले जाते हैं आपके ट्रांजैक्शन में। और इथेरियम के जैसा आपको सॉल्यूशन इथेरियम का नेटवर्क पे चेन का जो सॉल्यूशन है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? मैटिक और LRC जैसे जो टोकन्स या कॉइन्स हैं, तो उन पे जाके अगर आप वर्क करोगे मैटिक की जगह, तो मैटिक पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए जो इथेरियम के यूज़र्स होंगे वो मैटिक को प्रेफर करेंगे इथेरियम की जगह। तो इसीलिए इथेरियम के बजाय, इथेरियम के बढ़ने तक बढ़ते बढ़ते मैटिक की भी प्राइस बढ़ेगी। और चूंकि इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी, और मैंने आपको बताया क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इथेरियम का लंडन हार्ड फोर्क जो है, हार्ड फोर्क आया है, वो आने वाला है जुलाई के महीने में। तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैल पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉइन मार्केट कैल पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इथेरियम का जो लंडन हार्ड फोर्क है वो जुलाई में होगा, जिसके बाद से कुछ जो है इथेरियम भी डिफ्लेनेशनरी टोकन बन जाएगा, यानी कि उसका भी कुछ इथेरियम बर्न हो जाएगा। और बर्निंग से क्या होगा? इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी। इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा आपका इथेरियम का जो इथेरियम की इथेरियम जैसे बर्न होगा वैसे इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी। $10,000 जाने के चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं इथेरियम क्यों बढ़ेगा। इथेरियम की इतने सारे चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, आप देख सकते हो, ठीक, इथेरियम से रिलेटेड है सब। आप देखो कि सबसे पहले रिंक भी टेस्टनेट आने वाला है इथेरियम का 28 जून को,
फिर आपको 16 जून को गोयली टेस्टनेट है, रॉबस्टन टेस्टनेट 9 जून को है, इथेरियम का 31 जुलाई को ये जो इवेंट है ना लंडन हार्ट फोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, EIP 115-1159 ये जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है लंडन हार्ट फोक के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये इंप्लीमेंट जब हो जाएगी तब तक 31 जुलाई तक लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं इथेरियम की प्राइस $10,000 आसानी से जा सकती है। जैसे जैसे इथेरियम बढ़ेगी लंडन हार्ट फोक आने तक, वैसे वैसे आपको मैटिक में भी एक उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैटिक पॉलीगॉन इज अ हाईली स्केलेबल L2 नेटवर्क लेयर 2 नेटवर्क फॉर इथेरियम दैट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन फीस फॉर यूजर्स लुकिंग टू ट्रांसफर क्रिप्टोकरेंसीज। मैटिक पॉलीगॉन हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर नेटवर्क टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। मैटिक में जो है स्केलेबिलिटी यूजर एक्सपीरियंस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इथेरियम से बेटर बताया जा रहा है। मैटिक पॉलीगॉन इज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अ टन ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट। तो यहाँ पर मैटिक जो है उसको क्रिप्टो फंड को यूज़ किया जाता है, क्रिप्टो फंड को इथेरियम नेटवर्क पे अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो लिटिल फीस के द्वारा इथेरियम नेटवर्क पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैटिक में जो है बहुत लॉट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पर देखा जा रहा है, और मैटिक वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे इथेरियम बढ़ेगा। पहली चीज़ तो इथेरियम का अगला महीना बहुत बढ़िया होने वाला है जून का, और उसके बाद इथेरियम का लंडन हार्ट फोक जो है बहुत ज़्यादा इसको क्रश कर देगा, ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैटिक की प्राइस भी हमें ऊपर जाने को देखने को मिल सकती है। अब मैटिक का प्राइस क्या $10 जा सकता है, देखने की बात ये होगी सोचने की क्या मैटिक का प्राइस $10 जाएगा। तो जी हाँ, जाने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन आज इस साल में नहीं, मे बी इस साल हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इथेरियम का प्राइस यहाँ तक जाने का 10x होना चाहिए इसको अभी से, और 10x के चांसेस इतने बड़े ऑलरेडी टॉप 20 कॉइन्स में से अगर किसी के 10x जाने के चांसेस कम होते हैं तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इसको $10 देखा जा सकता है। बल्कि इसके लिए उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा होना चाहिए मैटिक का, क्योंकि इसकी सप्लाई कुछ बिलियंस में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। तो ग्रोथ तो होगी मैटिक में, लेकिन स्लो हो सकती है, बट अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ ऑलरेडी 2x हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो मैटिक को ये था मेरा प्राइस प्रेडिक्शन, और ये सब मेरी जानकारी थी आपको बताने के लिए कि आप मैटिक को क्यों देख सकते हो अच्छे खासी जगह पर। लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हो तो मैटिक बहुत अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट आपकी बनकर सामने आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप हम लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो टेलीग्राम के, तो प्लीज़ वहाँ पर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें बता के ऑलरेडी रखी हुई हैं। तो वहाँ पर प्रोजेक्ट भी बताएं, दो डिप में आप कौन से बाय कर सकते हो, जो डिप आया है आज का पोलका डॉट, एक बहुत लंबा जो प्रोजेक्ट है वो जाएगा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा, जो क्योंकि इस पे पैरन चेन्स पे वर्क कर रहा है। दूसरा पॉलीगॉन मैटिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वी आर लॉन्चिंग PHNX एंड द इवेंट्स मार्केट प्लेस ऑन द पॉलीगॉन POS चेन एंड आर एमिंग टू डू दिस इन क्वार्टर अर्ली क्वार्टर 2। ठीक, $10 आसानी से यहाँ से जा सकता है मैटिक, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट करी है, BTC का जो ईलियट वेब चल रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप लोग यार प्लीज़ यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, मैं वहाँ पर फ्री में देता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो भी मदद करता हूँ, सब फ्री में करता हूँ। तो आप लोगों से बस एक ही जो है मेरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि टेलीग्राम को यार ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टेलीग्राम है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर जल्दी आपको अपडेट मिलती है देखने को। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात, क्यों मैटिक इंपॉर्टेंट है, मैटिक क्यों ऊपर जाएगा इथेरियम की जगह। इथेरियम का सोल्यूशन है मैटिक, आप ऐसे कह सकते हो जब आपसे कोई पूछे कॉमन भाषा में, इथेरियम का सोल्यूशन मैटिक है, तो इसीलिए मैटिक ऊपर जाएगा पॉलीगॉन यानी कि। तो आई होप समझ गए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।